अमावस्या पर करें यह दान। हर महीने एक अमावस आती है, यदि आप अमावस्या पर कुछ दान करें तो आप अपने देवी देव और पितृ शांति प्राप्त करके अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। यह दान है अनाज। अनाज का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। अनाज का दान समृद्धि में वृद्धि करता है, इसलिए गेहूं चावल दाल का दान अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर करें। काला तिल। काले तिल का दान पितृ शांति तो प्रदान करता ही है, साथ में शत्रुओं का अंत भी करता है। इसलिए अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ की जड़ में तिल मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। छाता। जैसे बारिश से रक्षा करने के लिए छाता आवश्यक होता है, उसी तरह यदि आप अमावस्या पर छाता दान करते हैं तो जीवन में आने वाली विपत्ति से रक्षा होती है। उड़द की दाल। उड़द की दाल पितरों को मुक्ति दिलाती है, इसलिए अमावस पर उड़द की दाल का दान अवश्य करें। सरसों का तेल। यदि अमावस वाले दिन शनिवार है तो सरसों का तेल अवश्य दान करें। यह शनिदेव पीड़ा से मुक्ति दिलाने से आपकी सहायता करेगी, साथ ही शनिदेव के प्रभाव को समाप्त करेगी। यदि आप शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को पंचामृत स्नान कराकर तिल तेल से शनिदेव का अभिषेक करें तो इसके साथ ही शनिदेव चालीसा का पाठ करें तो जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। जूते चप्पल। काले जूते चप्पल का दान करें। जूते चप्पल का दान करने से जीवन के कष्टों का अंत होता है। लकड़ी का पलंग। लकड़ी का पलंग भी दान करना बहुत शुभ होता है, ऐसा करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं। काले कपड़े। काले रंग के कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर के ब्राह्मण को दान करें, यदि शनि पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। इस दान के साथ ही आप शाम के समय दिया जलाएं अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के सामने दिया जलाएं। हो सके तो पीपल के पेड़ की सात परिक्रमा करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।